यहाँ पर जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पहले एक प्राकृतिक पानी का स्रोत हुआ करता था, जहाँ से नेचुरली रूप से पानी आता था। 12 महीने यहाँ पानी की कभी कोई कमी नहीं रहती थी, लेकिन इसलिए लोगों को यहाँ पर कार्तिक मास में मेला भी रहता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर साल, और काफ़ी अच्छे श्रद्धालु आते हैं, और 7 महीने में काफ़ी यहाँ रौनक रहती है, हरियाली रहती है, बाहर से दूर दूर से कई श्रद्धालु आते हैं। तो हमारा सबका यही कर्तव्य है कि प्रकृति को की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहला ध्यान तो साफ सफाई पर देना चाहिए, और अपने निजी स्वार्थ को न देखते हुए प्रकृति को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बस ये